बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब अजीज़ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं जी आज के इस वीडियो को स्टार्ट और कर लेते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह इसमें मेन साइज को डिस्कस। तो हमारे पास जो इसमें प्लाट का, इस प्रपोजल का मेन साइज आने वाला है वो है 37 फिट बाई 54 फिट, यानी 37 फिट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आने वाली है, और तकरीबन 54 फिट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है, यानी कि अगर आपके पास 37 की बजाय 35 है और 54 की बजाय 55 है, तो फिर भी इस प्लान को अपने प्लाट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग वगैरह करके, या आप इसमें से अच्छे अच्छे आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं। तो आ जाते हैं जी इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से शुरू करते हैं स्टार्ट। मजीद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास मेन गेट राइट साइड पे, और मेन गेट का साइज हमारे पास आ जाएगा इसमें तकरीबन 14 फिट वाइड का, और दोनों तरफ पे हमारे पास आ जाएंगे इसके कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक और छोटी सी बाउंड्री वॉल। अच्छा जी, तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4 फिट बाय 19 फिट का। 19 फिट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, या इसको मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी ले सकते हैं, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से खुला खुला और बड़े घर का एलिवेशन आपको नजर आएगा। तो इसमें हमारे पास 4 फिट आ जाएगी लंबाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। आप इसमें अपनी छोटी मोटी चीजें वगैरह लगा सकते हैं, या आप इसमें अपना प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे ही सामने की तरफ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का पोर्च। आपको तकरीबन ये मल्ले बनेंगे हमारे पास 7 मल्ले, तो 7 मल्ले की कैटेगरी में आपको तकरीबन 2 गाड़ियों का ग्राज मिल जाएगा, यानी कि आप इसमें 2 बड़ी गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 16 फिट बाय 16 फिट का ही। 16 फिट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। ये क्लियर आपको 16 फिट मिल जाएगी, और लंबाई हमारे पास आ जाएगी इसमें क्लियर इधर से लेके इधर तक की, ये भी आपको 16 फिट मिल जाएगी, जिसमें आपकी गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। इसके अलावा ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कवर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा इसमें मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ शेड की सूरत में भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक स्टेप, और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि गेस्ट वगैरह के लिए, बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। और इसके साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज मिल जाएगा 13 फिट बाय 11 फिट। 13 फिट हमारे पास आ जाएगी इसमें चुड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फिट हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है इसमें 2 अलग विंडो। एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इधर साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अलग कॉर्नर विंडो भी इस वाली जगह पे दे सकते हैं इस विंडो की बजाय। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे भी आ जाएगी एक अलग विंडो, यानी कि सेंटर में पास आ जाएगा एक अलग ओपन, जिसको आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फिट बाय 4 फिट 6 इंच। 5 फिट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 4 फिट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसमें भी आपकी एक अदर ड्राइंग रूम की विंडो ओपन हो जाएगी। साथ साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बाथ, इस ड्राइंग के लिए एक अदर बाथ इस्तेमाल होगा। तो इस बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फिट बाय 6 फिट। 5 फिट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 6 फिट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो दूसरी विंडो की तरह इसमें भी आपको वेंटिलेशन आपके बाहर से ही मिल जाएगी इस वाले बाथ के लिए। मेरे पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ डबल डोर की सूरत में मेन इंट्रेंस, एक सेफ्ट मिल जाएगा और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें मेन डोर। जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में पास आ जाएगी स्टेयर जो कि इसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। सिंपल सी आपको एल शेप में इसमें स्टेयर मिलने वाली है, और इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन। किचन को रखा है हमने एक आर्च दे के ओपन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा डोर भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा किचन, तो किचन के साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फिट बाय तकरीबन 9 फिट का ही। 14 फिट हमारे पास इसमें आ जाएगी चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 8 फिट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको काफी अच्छे साइज का इसमें किचन मिल जाएगा, काफी बड़े साइज का आपको इसमें किचन प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने स्पेशल प्रोवाइड किया इसमें एक इस वाला ओपन को, तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही बैक साइड पे देखेंगे तो हमारे पास सामने ही आ जाएगा इसमें एक अदर डोर जो कि रह जाएगा आपको पीछे वाले पैसेजेस में, लेकिन अगर आप इस वाली विंडो को इस वाली साइड पे भी ले आते हैं तो इसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी, इससे आप इस वाले ओपन को इजीली स्किप कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक अदर डोर जो कि रह जाएगा आपको बैक साइड वाले पैसेजेस में, यानी कि लेफ्ट साइड पे, और बैक साइड पे आपको मिल जाएगा 1 अदर 4 फिट वाइड के पैसेज, 2 अदर पैसेज मिल जाएंगे। एक आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे और एक मिल जाएगा आपको इसकी बैक साइड में। इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक कदर टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह लग जाएंगे। तो इसके साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फिट बाय तकरीबन 15 फिट का ही। 15 फिट हमारे पास आ जाएगी इसमें चुड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फिट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा जो कि हमने दिया है इधर से लेके इधर तक का।
जब हम मजीद बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें दो अलग बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपको दो अलग बेडरूम प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को, तो इस बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डोर इधर साइड पे भी दे सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट का, 15 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी मिल जाएगी, और साथ साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ। बाथ के साइज की बात करें तो बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7.5 फीट बाय 7 फीट का। इसी साथ ही हमारे पास दूसरे वाले बेडरूम का डोर मिलेगा आपको इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 16 फीट। 15 फीट ये हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 16 फीट हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें भी आपको एक अदर अलमारी वगैरह के लिए कुछ स्पेस दे दी जाएगी। और साथ साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ। और बाथ के साइज की बात करें तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट का ही, 7 फीट तकरीबन हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने इसमें प्रोवाइड की है विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह, यानी इस वाले बेडरूम की विंडो और दोनों बाथ के वेंटिलेटर आपके बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएंगे, और इस वाले बेडरूम की विंडो आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आप इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से डिटेल के साथ ओवरव्यू। तो जी 237/54 का ये एक अदर हमारे पास घर का प्रपोजल था। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका तकरीबन 7 मरले। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा दो बड़ी गाड़ी का पोर्च। लेफ्ट साइड में हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास एक अदर साइड के पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। सामने की तरफ हमें मिल जाएगा डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको मेन एंट्रेंस के लिए, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएंगे स्टेयर, एल शेप में आपको स्टेयर मिल जाएंगी जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें किचन, ओपन कंडीशन में आपको किचन मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा इस घर का लाउंज, इसमें आपको सिटिंग वगैरह के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी। बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे दो अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साइज आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन साइज के मिल जाएंगे। काफी बड़े साइज के आपको इसमें बेडरूम प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि दोनों बेडरूम के साथ आपको वार्डरोब, अलमारी वगैरह और अटैच बाथ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि पीछे और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएंगे दो अदर पैसेजेस जिसमें आपकी दोनों की दोनों विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। मिलती है तो और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।